नमस्कार, डीएलएड के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु माथुर। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन में आकलन में पोर्टफोलियो की भूमिका पर। पर्यावरण अध्ययन, इस संदर्भ को जानने के लिए पर्यावरण शिक्षण पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम की पद्धति है। पर्यावरण अध्ययन में जागरूकता और समझ, संवेदनशीलता, चिंता, जिम्मेदार विकल्प, इच्छा और कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता की एक विस्तृत श्रृंखला और विविधता शामिल है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार मूल्यांकन की जो विधियाँ निश्चित की गई हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन, घटनावृत्त, संचित अभिलेख पत्र, प्रेक्षण, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, व्यक्ति अध्ययन तथा पोर्टफोलियो शामिल हैं। आज हम पोर्टफोलियो के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का पोर्टफोलियो एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जहां सततता कक्षा की प्रक्रिया के रूप में है तथा पूरे सत्र में विस्तार से फैली हुई है, उसी तरह व्यापकता उन सभी मुद्दों को रेखांकित करती है जो बच्चों के विभिन्न कौशल, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष को उजागर करते हैं। इस तरह पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक अभिन्न अंग के रूप में मूल्यांकन का एक प्रमुख उपकरण है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थियों के कार्यों के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना या यह जानना कि उन्होंने कविता लेखन में कितनी प्रगति स्थापित की है, रचनात्मक लेखन में कितनी प्रगति स्थापित की है या चित्रांकन में क्या प्रगति की है, इन सब का रिकॉर्ड पूरे सत्र में रखना तथा उस पर अभिव्यक्ति को अंकित करना पोर्टफोलियो की प्रमुख विशेषता है। पोर्टफोलियो की परिभाषाओं को जानने के लिए डी मैरॉन की परिभाषा, यह छात्र के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। उनके प्रयासों प्रगति एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उपलब्धि को दर्शाता है। दूसरी भून की परिभाषा बताती है कि यह सीखने की प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट है। पॉल्सन और मेयर के अनुसार पोर्टफोलियो शैक्षिक आकलन करने के लिए एक तरीका प्रदान करता है जो पारंपरिक तरीकों से अलग है और जो शिक्षकों को छात्रों के निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह हमने जाना कि बच्चों की निरंतर प्रगति से संबंधित तमाम आंकड़े तथा फीडबैक, जिसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है, आदि को एकत्रित किया जाता है। इसी एकत्रित प्रतिपुष्टि का रिपोर्ट को पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो एक मूल्यांकन प्रक्रिया है, जैसे लिखित कार्य, ड्राफ्ट, कलाकृति और प्रस्तुतियाँ, अनुकरणीय काम या छात्र के विकासात्मक प्रगति के संग्रह, इन सब के संग्रहण को पोर्टफोलियो कहा जाता है। अब पोर्टफोलियो के उद्देश्यों के विषय में बात करते हैं। हम यह जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पोर्टफोलियो एक प्रमुख उपकरण है जिससे छात्रों में निदानात्मक अनुदेशन दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना पोर्टफोलियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पोर्टफोलियो की आवश्यकता पर दृष्टिपात करते हैं। संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में और शैक्षिक सत्र में यह पूरे विस्तार से मूल्यांकन का प्रमुख उपकरण होता है। छात्रों की संपूर्ण क्षमताएँ, मनोवृत्तियाँ और अभिरुचियाँ इसमें प्रकट होती हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने हेतु पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। छात्र के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु तथा अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित गतिविधि बनाने के लिए भी पोर्टफोलियो का महत्व है। नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के लिए, सृजनात्मकता पर जोर देने के लिए, अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करने के लिए पोर्टफोलियो की प्रमुख आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मानसिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक कौशलों का विकास करना, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। विचार प्रक्रिया पर जोर हेतु तथा मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाने हेतु भी पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। अब हम पोर्टफोलियो की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। पोर्टफोलियो की प्रक्रिया तीन प्रमुख बिंदुओं पर निर्धारित होती है।
इसका पहला आधार है निर्धारण, दूसरा भंडारण तथा तीसरा छात्र की व्यक्तिगत उपलब्धियों का मूल्यांकन। निर्धारण के अंतर्गत हम छात्र की उपलब्धियों को निर्धारित करते हैं। शिक्षक पूरे सत्र में छात्र की उपलब्धियों को अवलोकित करता है तथा सहशिक्षकों एवं सहपाठियों की मदद से उनको चिन्हित करके रिकॉर्ड तैयार करता है। भंडारण की प्रक्रिया रिकॉर्ड तैयार करने की सतत प्रक्रिया है तथा छात्र के व्यक्तिगत उपलब्धि का मूल्यांकन सत्र के अंत में या सत्र के बीच में रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में या समेकित मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। अब हम मूल्यांकन में सम्मिलित तथ्य जो इन तीनों प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं के बारे में जानते हैं। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, यह जानना ही पोर्टफोलियो के मापन का प्रमुख उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा में पोर्टफोलियो के उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के अनुसार जान सकते हैं। पहला है पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए। पोर्टफोलियो सदा छात्रों को प्रेरित करता है कि वो पर्यावरण संबंधी कार्य करते रहें जिससे उनका रिकॉर्ड सुनिश्चित एवं सावधिक बढ़ता रहे। दूसरा है पारिस्थितिकी सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए। छात्र अपने रिकॉर्ड को देखकर स्वयं प्रेरित होते हैं तथा यह संज्ञान लेते हैं कि पारिस्थितिकी सिद्धांतों को किस तरह से बचाया जा सकता है या किस तरह से उनका संवर्धन किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के लिए चिंता पैदा करने के लिए, जो कि भविष्य के लिए आवश्यक तत्व है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा अंत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र पर्यावरण के प्रति सजग हैं तथा चिंतित हैं। अब हम यह जानते हैं कि पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक अभिज्ञात पक्ष क्या हैं जिनके आधार पर पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें पहला आत्म जागरूकता है, दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन, तीसरा है सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना तथा समस्या का समाधान, अंतर्वैयक्तिक संबंध, दबाव और आक्रोश के साथ सामंजस्य बैठाना, संवेगों पर नियंत्रण, मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ, अभिरुचियाँ तथा प्रभावी संप्रेषण। इन सभी अभिज्ञात पक्षों के साथ पोर्टफोलियो का निर्माण संभव है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो के प्रमुख उपकरण क्या हैं। सतत अवलोकन अभिलेखन, सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन, यह बताता है कि छात्र का सतत अवलोकन तथा उसका अभिलेखन पोर्टफोलियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अतिरिक्त छात्रों के द्वारा बनाए गए चित्र, उनके द्वारा रचित कविताएं, कहानियां, रचनात्मक लेखन, कक्षा कार्य, गृह कार्य, अन्य शिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं साथियों द्वारा उनका किया गया आकलन पोर्टफोलियो को बनाने में शिक्षक की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों को दिए गए प्रोजेक्ट कार्य, समूह कार्य, समूह चर्चा, प्रायोगिक कार्य, सृजनात्मक अभिव्यक्तियाँ, उपलब्धियाँ आदि भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं, जिससे जाना जाता है कि छात्र का क्रमिक विकास किस तरह से हो रहा है। वरिष्ठ छात्र के पोर्टफोलियो के कुछ मुख्य अनुभाग इस तरह से हो सकते हैं, जैसे आत्मकथा, बच्चे की व्यक्तिगत वरीयताएं, कक्षा और स्कूल में सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, अतिरिक्त पाठ्यचर्या का शौक, या प्रत्येक वर्ष के परिणाम और भविष्य के लिए छात्र की योजनाएँ, ओलंपियाड में उसकी जीत जो गणित या इंग्लिश या हिंदी में हो सकती हैं, प्रतियोगिताओं के परिणाम, अतिरिक्त शिक्षा को प्रतिबंधित करना, विभिन्न दस्तावेजों जैसे उसके प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा प्रमाण पत्र आदि शामिल हो सकते हैं। इसमें छात्र की खेल कूद से संबंधित जीतों को भी दर्ज किया जा सकता है। कनिष्ठ छात्रों के पोर्टफोलियो में जो भाग शामिल किए जा सकते हैं, उसमें चित्रांकन पर प्रमुख बल दिया जाना चाहिए। शीर्षक पृष्ठ पर छात्र का उसके परिवार, उसके समुदाय या गांव के साथ फोटो लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उसकी दुनिया, उसके उद्देश्य, स्कूल वर्ष की शुरुआत, अध्ययन, उसकी रुचियां, रचनात्मकता तथा उपलब्धियों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। कनिष्ठ छात्रों के पोर्टफोलियो को बनाते समय उनकी रुचियों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जब छात्रों की रुचियों का निर्माण होता है तथा रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। छात्र की सृजनात्मकता को पोर्टफोलियो में सबसे सर्वाधिक स्थान दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो की क्या विशेषताएं हैं। पोर्टफोलियो की विशेषताओं को इस तरह से देखा जा सकता है।
पहली विशेषता रचनात्मक गतिशीलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो हमेशा बताता है कि बच्चा किस तरह से रचनात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। पूरे सत्र में बच्चे ने जो भी प्राप्त किया है या जिस तरह से भी प्राप्त किया है वह पोर्टफोलियो में दर्ज होता है। दूसरा है गुणवत्ता मानक। पोर्टफोलियो यह बताता है कि बच्चे में कितना गुणात्मक विकास हुआ है, बच्चे की गुणवत्ता में किस तरह से पूर्ति हुई है तथा निदानात्मक अनुदेशन का क्या परिणाम निकला है। तीसरा है आत्म प्रतिबिंब। पोर्टफोलियो बच्चे का आत्म प्रतिबिंब होता है जो उसकी संपूर्ण सत्र की जानकारियों को परिलक्षित करता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन। बच्चे ने पूरे सत्र में क्या प्रदर्शन किया है तथा किस तरह से प्रदर्शन में सुधार लाया है, इसको भी पोर्टफोलियो प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त उपलब्धियों का प्रतिबिंब। बच्चे की पूरे सत्र की उपलब्धियाँ, उसके समूह कार्यों को करते हुए उसकी जानकारियों का सृजन तथा उसकी सृजनात्मकता की वृद्धि पोर्टफोलियो में प्रतिबिंबित होती है। इसके अलावा मौलिकता, जिसमें छात्र की अपनी विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। व्यक्तिगत प्रगति, छात्र की अपनी प्रगति तथा समूह के साथ प्रगति दोनों अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो में परिलक्षित होती हैं। इसके अलावा विभेदित दृष्टिकोण, जो हर छात्र को अलग अलग प्रदर्शित करने में मदद करता है। इसके बाद कौशल निर्माण, जो यह बताता है कि पोर्टफोलियो के द्वारा किस तरह से छात्रों ने अपने नए कौशलों का निर्माण किया है या उस सत्र में क्या नया सीखा है। बौद्धिक उत्पादकता, छात्र ने किस तरह से उस सत्र में अपना बौद्धिक सृजनात्मकता को, बौद्धिक उपलब्धियों को बढ़ाया है। आखिर में हम देखते हैं कि यह सतत मूल्यांकन का सबसे बड़ा उपकरण है जो छात्र के पूरे सत्र के मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन में पोर्टफोलियो के महत्व को जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण अध्ययन एक मूल्यपरक शिक्षा है जो छात्रों के पर्यावरण के प्रति मूल्यों को बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाती है। तो इसमें पोर्टफोलियो के महत्व के विषय में जानते हुए आज हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो का पर्यावरण की शिक्षा में क्या महत्व है। बच्चों की पर्यावरण अध्ययन संबंधित समस्याओं को जानने के लिए, आवश्यकताओं आदि को समझने के लिए पोर्टफोलियो प्रमुख भूमिका निभाता है। पर्यावरण अधिगम को प्रभावी तथा स्थायी बनाने के लिए भी पोर्टफोलियो की प्रमुख आवश्यकता है। पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन करना, जो लचीला या व्यक्तिगत लक्ष्यों या परिणाम के उन्मुख है, यह भी पोर्टफोलियो के द्वारा संभव है। प्रत्येक बच्चे को अपनी पर्यावरण आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए तैयार करना भी पोर्टफोलियो के द्वारा संभव है। बच्चों को स्वयं के पर्यावरण संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करना, जो व्यवहार और संबंधित परिवर्तनों में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, पोर्टफोलियो द्वारा संभव है। एक उपकरण प्रदान करना जो एक सीमा तक पर्यावरण अध्ययन, अधिगम संचार और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सके। पर्यावरण अध्ययन के जटिल और महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन भी पोर्टफोलियो के द्वारा सबसे आसानी से किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो के कितने प्रकार हैं। बुनियादी तौर पर पोर्टफोलियो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रक्रिया पोर्टफोलियो, दूसरा उत्पाद पोर्टफोलियो। प्रक्रिया पोर्टफोलियो पूरे सत्र में छात्र की उपलब्धियों और सृजनात्मकता की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिससे छात्र को उपलब्धि के नए मापदंड प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा है उत्पाद पोर्टफोलियो, जो कि प्रक्रिया के अंत में छात्र का उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण करता है, जो यह बताता है कि छात्र ने उस पूरे सत्र में पर्यावरण या किसी अन्य विषय के बारे में क्या सीखा है तथा क्या उन्नति की है। पोर्टफोलियो की सीमाओं का अंत में आकलन करते हुए हम यह देखते हैं कि इसके लिए अनिवार्य नियोजन सबसे अधिक आवश्यक तत्व है। अनिवार्य नियोजन के अंतर्गत छात्र को अवलोकन में रखना, सहशिक्षकों की मदद लेना तथा सहपाठियों की मदद लेना सबसे आवश्यक प्रक्रिया है। समय और समन्वय। पूरे सत्र में सतत एवं मूल्यांकन के लिए पोर्टफोलियो के लिए समय देना तथा उसका समन्वय करना भी बहुत कठिन कार्य है। दक्षता। पोर्टफोलियो को बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन मानदंड का अनुभव होना भी शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योग्य टीम, जिसमें योग्य शिक्षक, सहशिक्षक, सहपाठी हों, जो कि छात्र का सही मात्रा में अवलोकन कर सकें तथा सही प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकें, आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भंडारण, क्योंकि छात्र की बनाई हुई रचनात्मक सृजनात्मक कलाकृतियों को सुनिश्चित रूप से, सुनियोजित रूप से तथा संभाल कर रखना आवश्यक है।
आज हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन में पोर्टफोलियो की क्या भूमिका है, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, निर्माण की क्या प्रक्रिया है, पोर्टफोलियो की क्या विशेषताएं हैं, पोर्टफोलियो के उपकरण क्या हैं, तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्रों के लिए पोर्टफोलियो के प्रमुख अनुभाग क्या क्या हैं। पर्यावरण अध्ययन के महत्व को भी हमने समझा, पोर्टफोलियो की सीमाओं को जाना। इसके साथ ही यह परिचर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।